के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दत्तवल नालागढ़, मॉडर्न वेल इक्विप्ड ओटी आईसीयू, इमरजेंसी लिथोट्रिप्सी एंड फैसिलिटी फॉर ऑल टाइप ऑफ जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायने सर्जरी एंड अदर सर्जरी ऑल्सो। आज भारत की बंद का असर हिमाचल के बिलासपुर में भी देखने को मिला। जिला बिलासपुर के उपमंडल स्वारघाट में व्यापार मंडल ने आरक्षण को लेकर स्वारघाट में रैली निकाली, जो बाजार से होते हुए एसडीएम कार्यालय तक पहुंचे और आरक्षण को लेकर उनको ज्ञापन सौंपा। इनका कहना है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, वह चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी को एक समान आरक्षण दिया जाए। क्योंकि इसमें जो है आरक्षण अगर हो तो आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जो गरीब चाहे वो पिछड़ी जाति से है चाहे वो जनरल से आता है उस पर आर्थिक आधार पे ये जो है आरक्षण होना चाहिए, अन्यथा ये बंद हो जाना चाहिए। ना भेदभाव के आगे आएंगे, क्योंकि बहुत सी हमारे लोगों में काबिलियत है, बच्चों में बहुत सी काबिलियत है, लेकिन एक आरक्षण की वजह से वो पीछे रह जाते हैं और फिर उनका एक बार दो बार इंटरव्यू देने के बाद उनका मनोबल टूट जाता है, फिर वो कोई दूसरा रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, जैसे कोई चोरी हो गई, डकैती हो गई। ये चीज़ें तभी ख़त्म होगी जब ये आरक्षण ख़त्म होगा लोगों में। हर जगह आरक्षण आरक्षण आरक्षण, ये चीज़ें हमें उठानी चाहिए। तो मेरा सभी सरकार से, सभी लोगों से भी ये आग्रह रहेगा कि ये जो आवाज़ आज पूरे हिंदुस्तान में उठी है, यहाँ से उठी है, ये पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए, जिससे लोगों में ये जागृति आए कि आरक्षण बीमारी क्या है, इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, इससे हमारे बच्चे पीछे कैसे जा रहे हैं। बिलासपुर से ऋषु प्रभाकर की रिपोर्ट।